तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज, सीट नंबर टू, राइट। अब देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा पहला लेसन है, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये एक ब्रेकर है, VD4। VD4 भी हो सकता है, SF6 भी हो सकता है, इसी तरह की ड्राइंग आपको मिलेगी। इसमें देखो क्या हो रहा है, RYB तीनों यहाँ पे आ रहे हैं, ये बीच में एक ही दिया हुआ सिंगल लाइन डायग्राम कि ये ब्रेकर जो है अभी ओपन है, अभी ये क्लोज नहीं है, ओपन कंडीशन में है। और उसके नीचे इसका P1 टर्मिनल दिख रहा है, और उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे डबल कोर की एक सीटी लगी हुई है, मतलब कोर 1 कोर 2 दो कोर है, मतलब दो पेयर समझो सीटी लगी हुई है, सीधे सीधे समझो कि दो पेयर सीटी है। उसमें सेकेंडरी जो है एंड, उसको न्यूट्रल बनाया गया और एक एंड को इंडिपेंडेंट छोड़ा गया है। ट्रांसफार्मर में यही होता है, तीनों वाइंडिंग एक एक एंड को मिलाकर उसे न्यूट्रल बनाते हैं, राइट। तो सेम उसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे भी इसको न्यूट्रल बनाया गया है। तब इसमें होता क्या है कि अब इसका जो एंड, मतलब RYB तीनों में से इसके प्राइमरी एंड से जो भी करंट फ्लो करेगा उसको सेंस करेगा ये सीटी। तो इसके थ्रू होकर जो भी करंट है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि ये सीटी लगी हुई है तो सीटी का कितना रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी में जैसे मान लिया 300 है, तो सेकेंडरी में हमारा सीटी का जो है, सीटी के थ्रू होके 1 एम्स सपोज, क्योंकि मीटरिंग या फिर प्रोटेक्शन सर्किट में हमें करंट चाहिए तो इतना हैवी करंट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो सीटी लगानी है। और उसका एक एंड, तीनों फेज का एक एंड जोड़ के शॉर्ट करके उसको न्यूट्रल कर दिया गया, एक एक एंड को ओपन रखा गया है। ओपन मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अब क्या है कि एक एक फेज का करंट इन सीटी के इस वायर से होते हुए अपने न्यूट्रल की ओर आने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या किया गया है, आप गौर से देखो, ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियरली। जैसे ये आर फेज में जो सीटी लगी हुई है, इसके थ्रू होते हुए वो करंट यू जा रहा है एक नंबर में, फिर इस तरह से जा रहा है ये, ऐसे आप खुद भी देखोगे तो फिर किलोवाट ट्रांसड्यूसर में आ रही है, किलोवाट ट्रांसड्यूसर से फिर किलोवाट ट्रांसड्यूसर में 13 नंबर में आया, फिर 14 नंबर से निकला, फिर R1 यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर R2 से होते हुए यू गया इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से कनेक्टेड होके ये अपने न्यूट्रल एंड में चला जा रहा है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम हो सकता है कि ये क्या है, तो बिल्कुल देखना, कभी भी पैनल के सामने एक ब्लैक कलर का बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में क्या है, कुछ स्ट्रिप्स होते हैं, मेटल स्ट्रिप्स, जिनके थ्रू सीटी को शॉर्टिंग करने का उसका प्रावधान रहता है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, चाहे यहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि सीटी में जब भी आप काम करोगे, मतलब मीटरिंग, सपोज कि आपको ये किलो वाट सर इसको आपको चेंज करना है, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा कि इसका न्यूट्रल और किसी भी सीटी का, चाहे आर फेज का हो, चाहे वाई फेज का हो, चाहे बी फेज का, उसका अपना न्यूट्रल के साथ वो शॉर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह से शॉर्ट होगा, जैसे ये 1 में जा रहा है ना, ये 1 से होते हुए जा रहा है, फिर ये आ रहा है, जब आएगा तो देखोगे आप यहाँ पे आ रहा है। अभी ये जो इसमें बीच में जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, ये वाली स्ट्रिप जो है इसको आप लूज करके इस तरफ आप सरका सकते हो, स्लाइड हो जाएगी इस तरफ से और 1 और 2 कनेक्ट हो जाएगा। जब मीटरिंग सर्किट लाइन में होती है तो 2 और 3 में कनेक्शन होगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 5 और 6 में, उसी तरह यहाँ पे 8 और 9 में। तो जब सपोज कि किसी सीटी किसी मीटर में आपको कुछ काम करना है, तो फिर यहाँ पे 1 और 2 को शॉर्ट कर देना पड़ेगा, यहाँ लूज करो, यहाँ भी लूज करो, इसको सीधे यहाँ पे इस तरह लेके आओ और यहाँ पे इसको टाइट कर दो। तो अब क्या है, ये सीटी जो है अपने न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें कोई सा भी काम ले सकते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन केसेस में, क्योंकि मीटर वगैरह चेंज करने के लिए तो शट डाउन तो लेना पड़ता नहीं है। तो इन छोटे छोटे कामों में आपको यही करना पड़ेगा, ये सेफ्टी आपको रखनी चाहिए कि हमेशा सीटी का सेकेंडरी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये ब्लैक कलर का बॉक्स वही होता है, यहाँ पे यहीं पे आप उसको शॉर्ट करते हैं। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा इसके बाद इसमें जा रहा है किलोवाट ट्रांसड्यूसर में, किलोवाट ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, 4 to 20 mA इसका जो है आउटपुट निकलता है, जो आप DCS या कहीं पे भी ले सकते हो, PLC वगैरह में भी ले सकते हो, शायद DCS का मैंने देखा है 4 to 20 mA आप DCS में लेकर उसका डिस्प्ले में आप यूज़ कर सकते हो कि कितना किलोवाट ले रहा है। सिमिलरली यहाँ से निकलने के बाद सीरीज में आपका ये भी है D521, ये क्या है, डिजिटल एमीटर है, यहाँ पे सेलेक्टर स्विच भी होता है, तो किसी भी फेज का आप करंट यहाँ पे डिजिटल एमीटर में चेक कर सकते हैं। उसको लाइन न्यूट्रल 230 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट AC ऑक्सिलरी
सप्लाई कहाँ पे है, ये 8 नंबर सीट पे 0.3 नंबर कॉलम में मिलेगा। जैसे अभी आपको देखना है कि ये 8 नंबर सीट में है या नहीं, तो देखो यहाँ पे AM1 लिखा है ना, वहाँ पे लिखा होगा AM1 और 8 नंबर सीट में 8 नंबर सीट में तीन नंबर कॉलम में और 4 नंबर कॉलम में हमें ये नज़र आएगा। चलो देखते हैं, तो ये हम आ गए 8 नंबर सीट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना। अब इसमें AM1 AM2 ये देखो 0.3 0.4 जो लिखा हुआ है वही 3 नंबर और 4 नंबर कॉलम में आपका AM1 AM2 सप्लाई फॉर एमिटर एंड ट्रांसड्यूसर। तो मतलब कि अगर आपको इस सप्लाई को ट्रेस करना है तो आप ड्राइंग को देखते हुए 8 नंबर सीट का सारा लेंगे और उसमें ये आपको कहाँ से आ रहा है वो आप देख सकते हो, है ना। इसकी सप्लाई जो है टोटल, इसकी सप्लाई कहाँ पे है, इसकी सप्लाई है 203-204 में, 240 वोल्ट एसी पैनल सप्लाई। कौन सा एमसीबी है, B1003, उसमें मार्क किया होगा B1003 मार्क किया होगा। तो इस तरह से आपको ड्राइंग देखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा डिजिटल एमिटर हो गया, यहाँ पे करंट ट्रांसड्यूसर भी है। तो वही जो सिटी के तरफ से जो आ रहा है सेम इस तरह सीरीज बनते हुए यहाँ भी आया, फिर उसके बाद यहाँ भी आ रहा है। आप देखोगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूँ घूमते फिरते हुए ये अपने न्यूट्रल में वापस आता है और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होती है सिटी की, है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि कितना करंट लाइन में है, या फिर किलोवाट ट्रांसड्यूसर, किलोवाट जानने के लिए भी करंट और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज भी रिड्यूस फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज का भी लिया गया है 244 241 42 243, इन चार टर्मिनल में से। उसके बाद एक न्यूट्रल लिंक है, देन उसके बाद ये फ्यूजेस हैं, तीनों फ्यूज से होते हुए फिर आपका यहाँ पे PT सप्लाई भी ली गई है, क्योंकि किलोवाट ट्रांसड्यूसर को 3 फेज का सप्लाई भी चाहिए। तो डायरेक्ट इसमें 11 kV 6.6 kV जो भी है तो नहीं ले सकते ना, तो यहाँ पे भी PT लगाने की ज़रूरत है, जो कि बस PT सेक्शन में, बस PT सेक्शन मतलब एक सेक्शन ही अलग होता है, एक पैनल टाइप का ही होगा जिसको बस PT बोलते हैं, उसके थ्रू वो PT से होते हुए 3 वायर यहाँ पे आ रही है जो RYB का रेफरेंस दे रही है कि तीनों फेज में कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज और करंट दोनों मिल गए, ठीक है। दूसरा पेयर सीटी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, दूसरा पेयर जो सीटी है वो यूज हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के लिए, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के लिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप मैनुअल देख सकते हो, या फिर हम इसके बारे में और नेक्स्ट लेसन्स बनाएंगे तो उसमें हम रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड कोर सीटी का भी उसी तरह से एक एंड न्यूट्रल किया हुआ है, दूसरा एंड जो है इस तरह से REF में आ रहा है। इसमें भी वही फंक्शन होगा, हर फेज के रिफ्रेंस में करंट यहाँ पे जाएगा। तो अगर सोचो किसी फेज में यदि अर्थ फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उस फेज का करंट बढ़ जाएगा, तो उस वजह से यहाँ पे भी करंट ज़्यादा होगा, तो इसको सिग्नल मिल जाएगा कि फेज जो अनबैलेंस हुआ है किसी ना किसी अर्थ फॉल्ट की वजह से हुआ है, करेक्ट। तो ये हमारा मीटरिंग सर्किट है और ये उसी REF 610 का ही कितने NO हैं, कितने NC हैं वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा NO है, 2 NO है तो उसमें कहाँ कहाँ पे यूज हुआ। तो 6 नंबर सीट में 2 नंबर कॉलम में देखोगे एक कॉन्टैक्ट, उसी तरह 11 नंबर सीट में भी आपको मिलेगा 2 नंबर कॉलम में, उसी तरह 3 CO जो लिखा हुआ है तो ये कॉन्टैक्ट कहाँ मिलेगा, 6 नंबर में ही मिलेगा, 12 नंबर पेज में भी मिलेगा, करेक्ट। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट यूज हुआ है, तो सपोज़ कि ये मैं इसको लेता हूँ 6 नंबर सीट में 2 नंबर कॉलम में आपको इसका एक कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो 6 नंबर सीट चलते हैं हम लोग, 6 नंबर सीट देखो आप, 5 4 5 ये रहा 6, ये 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट
टू लिखा हुआ है, मतलब दो नंबर कॉलम में। इसके नीचे हम देखेंगे तो फिर ये मिलेगा, ये देखो ये लिखा ना REF, तो उसका ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक सर्किट का एक एक पोर्शन आप ड्राइंग को देख के आप ट्रेस कर सकते हो, सेम टू सेम आपको पैनल में भी मिलेगा। तो सही डायग्नोसिस करने के लिए प्लस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ड्राइंग में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली HT में तो आपको होना ही होना है। तो आई थिंक ये हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला पेज भी, जिसमें मीटिंग और प्रोटेक्शन सर्किट है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में ब्रेकर का इंटरनल मैकेनिज्म, उसमें क्या क्या हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपको समझ में आएगा भी। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसी से रिलेटेड होते हैं पैनल के अंदर। तो इसको क्या किसी को भी मिस मत करना आप। इसमें ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा चीज़ जान लूँ और बाकी छोड़ दूँ, आपको एक एक पॉइंट को देखना है, बार बार देखना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी आप मुझे मैसेज करो, मैं पढ़ूँगा और मुझे लगा तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। तो फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा सर्किट ब्रेकर की हम स्टडी करेंगे ड्राइंग की।